पहली दफा आबादी विच एक प्रीमियर लीग हो रही, कैसा लग रहा है? बेहतरीन लग रहा, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा ग्राउंड है, तो इन्ना किन्ना ग्राउंड बनाया है ना, दी बड़ी मेहरबानी ते नवाज़िश है, उन्हें बड़ा बेहतरीन ग्राउंड बनाया है। अच्छा, एक अच्छे कबूतरबाजी होंगी, दुए अच्छे क्रिकेट मैच हो रहे हैं, किनू ज़्यादा तरजीह दोगे? एक शौक हों, शौक मैनू क्रिकेट का भी है, कबूतर का भी है, हम तो पहले क्रिकेट खेलते हैं। दिल राजी हो रहा है कि आबादी क्रिकेट लीग, अब बहुत खुश हो रहे हैं भी इतने क्रिकेट मैच होंगे पिया, फ्लड लाइट है। वालेकुम सलाम, कैसा लग रहा है आज आबादी में क्रिकेट लीग हो रही है? माशाल्लाह बहुत इंजॉय कर रहे हैं, मियाँ अरशाद की बॉलिंग को बहुत इंजॉय किया है, बहुत उन्होंने पहले आकर बॉलिंग की, उसके बाद जब मियाँ सलमान को रन से लगे उसके बाद उन्होंने अच्छा कम बैक किया, तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अभी पहली इनिंग तो बहुत माशाल्लाह अच्छी हुई है, अब दूसरा देखते हैं क्या होता है। जहाँ पे बड़े बड़े ग्राउंड आबाद होते हैं वहाँ पे अस्पताल वीरान हो जाते हैं, इसी तरह ईद उल अज़हा के बड़े मौके पे गांव के लोगों ने एक ऐसा प्रोग्राम मुनक़िद किया है कि दीपालपुर में DPL होती है, बसीरपुर में BSL सुपर लीग होती है, इसी तरह आबादी प्रीमियर लीग आबादी में एक ऐसा मेला सजाया गया है जिसमें 8 टीमें हैं और 8 टीमों ने एक मेला सजा के दिन रात मेहनत करके बहुत ग्राउंड को सजाया है और दूर दराज से यहाँ पे क्रिकेटर प्लेयर आए हैं। मज़ीद हम लोगों से जानेंगे इसकी वजह से क्या इनको फ़ायदा हुआ है और तारीख में पहली दफ़ा ये नौजवानों ने अपनी मदद आप फ्लड लाइट मैच करवाया है, उनके अंदर क्या जोश व जज्बा है और ईद के मौके पर क्या कहेंगे, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान की तारीख में बड़े बड़े क्रिकेट मैच होते हैं, बसीरपुर में भी बसीरपुर सुपर लीग होती है, इसी तरह ईद उल अज़हा के मौका पे एक शानदार फ्लड लाइट मैच जो कि आबादी तुरबत शाह हुसैन में हो रहा है। हमारे साथ जो ऑर्गेनाइज़र हैं जो बड़ी लीग हो रही है, मोहम्मद आज़म एडवोकेट साहब हैं। अच्छा सर, बड़ी बड़ी लीग्स होती हैं, आपने ये कैसे सोचा कि गांव में एक ऐसा मेला सजा दिया है कि दूर दराज से लोग यहां लीग पे आए हुए हैं और यहां पे कितनी टीमें हैं, कितनी टीमें खेल रही हैं और आज ओपनिंग सेरेमनी के बाद कितने मैच खेले जाएंगे? मेहरबानी जनाब मुनीर भट्टू साहब, हमारी कोशिश है कि आज हमारे तकरीबन 8 से 10 मैच हो जाएँ और हमारी 6 टीमें हैं, 6 टीमों को हम आपस में हम मैच करा रहे हैं और इंशाल्लाह। आपने पूछा कि आपको कैसे लगा कि आप इतनी बड़ी लीग कराएंगे, तो ये सारे दोस्तों का तावन है, इससे पहले भी हमने 7-8 लीगें करवाई हैं इस गांव में और सारे जो हैं मेरे साथ तावन करते हैं, तकरीबन हम 3-4 लाख तक लीग पे खर्च कर सकते हैं, मेरे दोस्त जो हमें सपोर्ट करते हैं। जिस तरह ये मियाँ ज़ैन भट्टू साहब हैं, इन्होंने ये सारा ग्राउंड बना के दिया हमें, बना के पूरा खर्च करके 40-50 हज़ार लगा के, और आज सेरेमनी पे इन्होंने हमें पूरी बिरयानी खिलाई है पूरी टीमों को। अच्छा सर, माजरत के साथ हमने फर्स्ट टाइम देखा है, बड़ी बड़ी लीग्स देखी हैं, वहाँ पे किसी को खाना तक नहीं किया जाता, आज यहाँ पे खाना भी सर्व किया गया है। जी, ये मेरे गांव के जो लोग हैं ना बड़ा सपोर्ट करते हैं स्पेशली क्रिकेट को, और यहाँ पे कोई बड़ा जिम्मेदार नहीं है हमारे गाँव में, इसके बावजूद लोगों ने 50-50 हज़ार रुपया फंड दिया है। इसमें हमारे नौजवानों को अभी आपने देखा है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो गांव-गांव में खेली जाती है, इसी तरह आपने भी एक अच्छे इनिशिएटिव लिया है, तो अभी हमारे नौजवानों को क्या मैसेज देंगे? देखें, ये मशहूर बात है कि जिनके ग्राउंड सजे होते हैं ना वहाँ पर हॉस्पिटल में मरीज़ कम जाते हैं, तो मेरा नौजवानों को यही मैसेज है कि हमारे बाद भी ये इस तरह के जो इवेंट हैं उनको मुनक्कद कराएं। अच्छा सर, आप धूम 11 के कैप्टन भी हैं, क्या पोजीशन देखी है कि BSL होता है, बसीरपुर सुपर लीग, आबादी प्रीमियर लीग, फ्लड लाइट मैच, फर्स्ट टाइम आपकी तारीख में आबादी में हो रहा है, कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छी कावश है और नौजवानों को मौका मिलना चाहिए, और जिस मुल्क के जिस देश के ग्राउंड आबाद होते हैं वहाँ के अस्पताल वीरान होते हैं, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, पॉजिटिव इनिशिएटिव है और वो इसको मज़ीद लेकर जाना चाहिए कि नौजवानों को खेल की तरफ रागब करेंगे, नशों से दूर रहेंगे, अपनी फिटनेस रहेगी तो सेहत रहेगी। कहाँ से आए हैं? मैं सर फैसलाबाद से हूँ। सर, ईद के त्यौहार पे लोग बड़ी जगहों पे जाते हैं, चांद रात को लोग इंजॉय करते हैं, आप यहाँ पे क्रिकेट लीग में आए हैं और कैसा लग रहा है यहाँ पे? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बेसिक मैं इधर का ही हूँ, ये मेरा गाँव है, तो बड़ी खुशी होती है, ये माशाल्लाह कितना भी आप क्राउड देख रहे हैं तो ये दिल से खुशी होगी, चले हमारे ये इलाके में एक लीग शुरू है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, आबादी प्रीमियर लीग एक बड़ा इवेंट फ्लड लाइट हो रहा है, कैसा लग रहा है और कहां से आए हैं? मैं सर लाहौर से आया हूं, चूँकि अमृतसर से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो इंतज़ामिया इधर की जो है ना बहुत अच्छा जरा ना इंतज़ाम किया है, तो इंशाल्लाह। बेसिकली आप क्या काम करते हैं? मैं जैक का काम करता हूँ, छतों ऊपर करता हूँ। जी हम इसको बहुत इंजॉय कर रहे हैं, लाइव क्रिकेट, और हमको ये क्रिकेट से प्यार है,
तो हम बहुत इससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, आपके गांव में एक बड़ी लीग हो रही है? जी बहुत बड़ी लीग हो रही है, हम इसे बहुत इंजॉय करते हैं। ये हमारे साल में 3 दफ़ा होती है, एक छोटी ईद पर होती है और इधर हमारे उर्स होता है, एक लीग उधर होती है। लेकिन ये पहली दफ़ा हमारे गाँव में फ्लड लाइट का इंतज़ाम किया उन्होंने, हाजी साहब का हम बहुत हद तक शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए इतना किया। हाजी आजम साहब हमें भी 4-5 मिनट दे रहे हैं। अस्सलाम, कैसा लग रहा है आबादी में फर्स्ट टाइम क्रिकेट लीग हो रही है? माशाल्लाह बेहतरीन लग रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, फर्स्ट टाइम ईद से पहले चांद रात है, लोग चांद रात पे अय्याशी करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रिकेट लीग आप देखने आए हैं जी, कैसा लग रहा है? बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा निज़ाम इन्होंने है, बहुत वाला। सर हिस्ट्री में पहली दफ़ा फ्लड लाइट यहाँ पे आबादी प्रीमियर लीग हो रही है, कैसा लग रहा है? आप क्रिकेट से बड़ा लगाव भी रखते हैं जी। एक ज़बरदस्त रागला है ये, आप दिखा सकते हैं जो सब आदमी इतने खुश हैं, तो इंशाल्लाह आइंदा जो है ना उसमें इससे भी भरपूर जो है ना आवाम का इधर मतवज्जो होगी। बशीरपुर से? बशीरपुर। आप बशीरपुर में, बशीरपुर लीग भी हुई है यहाँ पे आबादी प्रीमियर लीग, फ्लड लाइट मैच कैसा लग रहा है? हाँ जी अच्छा लग रहा है जी, अच्छा। देखने वालों को क्या कहेंगे? देखने वालों को यही कहेंगे जी, जी आए दोबारा भी होगा, दोबारा भी आएंगे। हाँ जी ओके जी, अल्लाह। आबादी प्रीमियर लीग को भी 4 चांद लगा दिए, ईद के दिन लोग अपनी खुशियों में जाते हैं, आपने यहाँ पे एक मेला सजा दिया। बस ये सब दोस्तों का तावन है, उनकी मोहब्बत है जो हमें ये मेला लगाने पे मजबूर करती है, और हमारी भी यही कोशिश होती है कि हम इनसे बढ़ चढ़ करना जो हम कर सकते हैं ना वो करें। हम भी किसी से कम नहीं है, हम ये असल मैसेज हमारा ये है कि हम किसी से कम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बाबा जी ईद उल अज़हा आ गई है, थोड़े अपने गांव विच एक बड़ी वड्डी लीग हो रही, कैसा लग रहा है? बड़े खुश हैं जी, बड़ा मैच अच्छा प्यारा हो रहा जी, असि बड़े खुश हैं। हाँ जी सब असि आने भी हर साल ही शुक्र लगता रहे, सारी आवाम बुढ़े बंदे वेख रहे, जवान वेख रहे, बड़े खुश आ रहे हैं। मैं लगता बाबा जी आज थोड़ी जवानी लश्कारे मार रही है। मैं पहना से शेर बने पे हैं कि एक कल गोश्त खाओगे और टैट हो जाओगे। गोश्त खाना कल बड़े टैट होवांगे, फिर खैर कोनी होनी। हां खैर कोनी होनी, ठीक है मेहरबानी हो रही है जी। माशाल्लाह उन्होंने खर्चा किया है ते और सही काम कर रही जी हर टीम जी। हां जी ईद का मौका है जी, सारे नेतावन दे नाल काम हो रहा है जी। आज आबादी विच एक बड़ी वड्डी लीग हो रही है, कैसा लग रहा है? बड़ा मैच हो रहा है, पहली दफ़े ही मैं देख रहा हूँ कि इतना बड़ा मैच, सब लोग भी इंजॉय कर रहे हैं, हम भी इंजॉय कर रहे हैं, हमारे दिल को भी खुशी हुई है कि ये बच्चे भी हैं हमारे, और भाई भी हैं, भतीजे भी हैं, भी इसी तरह खेलते रहें, हम भी इनकी भरपूर इनको सपोर्ट करेंगे जी। वालेकुम सलाम। सर आप इसी गांव के? जी बिल्कुल भाई साहब। कैसा लग रहा है बीएसएल बशीरपुर सुपर लीग हुई, अभी आबादी प्रीमियर लीग हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, इंशाल्लाह इंदा इस तो भी बेहतर होगा, और सारे भाइयों के सामने सारे पिंड मड़ा शरीफ आबादी तरबर साहब सेन जूल फकीर सारे दोस्त सारे भाई बहुत अच्छा तावन करते हैं, और इस लीग न कामयाब कर रहे हैं, इंशाल्लाह पहली दफ़ा फ्लड लाइट करा रहे हैं, और बहुत अच्छा इंजॉय हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। कि हमारी टीम का नाम सुखेरा सुपर किंग है, जिनकी नुमाइंदगी मैं खुद कर रहा हूँ, उसका ऑनर नुमान सुखेरा और मोहम्मद अहम भुट्टा साहब हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम में काफ़ी नए लड़के हैं, तो इंशाल्लाह हम खूब इंजॉय करेंगे। तो ये फ्लड लाइट पहला टूर्नामेंट है, तो इंशाल्लाह लोगों में बहुत दिलचस्पी है, लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं इस टूर्नामेंट। सर बशीरपुर में बशीरपुर सुपर लीग है, उसके बाद आपने फ्लड लाइट एक बहुत बड़ा ग्राउंड सजाया, और ये भी देखा गया है कि वहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी पे इतने लोग नहीं थे जितने आपकी आबादी प्रीमियर गाँव में एक मेला साज गया। ये आपकी बात ठीक है, दरअसल ये ना फ्लड लाइट टूर्नामेंट पहली दफ़ा हो रहा है, तो लोग तुरबा शाह हुसैन के ना लोग बहुत ही इंजॉय करते हैं फ्लड लाइट टूर्नामेंट को ना, तो बस ये लोगों की मोहब्बत है इसलिए इंजॉय कर रहे हैं लोग। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर आप माशाल्लाह आपकी एज भी बहुत ज़्यादा है, अभी भी क्रिकेट से लगाव है, और आपके अपने गांव आबादी प्रीमियर लीग, जब आप लाहौर देखते हैं बड़े बड़े मैच होते हैं, आपके अपने गांव में ये मेला सजा, कैसा फील हो रहा है? ये जी बड़ा हमारे जो लोकल प्लेयर हैं खिलाड़ियों को ये शौक की बात है सारी, ये शौक की वजह से होता है। ये देखिए इतना बड़ा फ्लड लाइट और इतना बड़ी अरेंजमेंट, ये इसके पीछे फाइनेंशियली भी बहुत बहुत कॉस्ट आती है, लेकिन ले मैं हैरान हूँ हमारे लड़कों का शौक है, इनको तकरीबन 1 माह हो गया अपनी इस तैयारी में लगे हुए हैं, तो ईद पे ये मेला इन्होंने सजा दिया, सारा क्रेडिट इनको जाता है आबादी वालों को।
सर आपको क्रिकेट से कब लगा हुआ है? यहाँ पे लोग बड़ी तारीफ कर रहे थे कि इरशाद भट्टू की बॉलिंग बहुत जबरदस्त है, ये कब से आप क्रिकेट में आए? मैं जी 2000 से खेलो, 2000 से खेलो। मैंने अपनी क्रिकेट का आगाज किया था पाकिस्तान स्टील कैडेट कॉलेज, तो मैं 9th क्लास में अपनी कॉलेज की टीम सेलेक्ट हो गया था और तब से ये जारी है और अभी तक क्रिकेट छोड़ी नहीं। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आप माशाल्लाह एक पुलिस में भी आपने बड़ी मेहनत की है, अभी आपने देखा वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स होती हैं, आपके अपने गांव में एक बहुत बड़ी लीग हो रही है, कैसा फील हो रहा है? सबसे पहली बात तो ये है ना कि माशाल्लाह हमारे गांव में पहली दफ़ा फ्लड लाइट का इंतज़ाम किया गया है और इससे पहले फ्लड लाइट का इंतज़ाम नहीं हुआ है। ये मैं उन लोगों का इंतज़ामिया का ख़ास तौर पर बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने बहुत कोशिश की है, जिनमें हाजी आज़म सुखेरा साहब हैं और सरदार जैन अली भट्टू साहब हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश है उनकी, अच्छी सोच है जवानों को क्रिकेट की तरफ रागब करने की, एक बहुत बड़ी कावश है। सबसे पहली बात तो हमें इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि जैसे कि आपने सुना है कि जिस मुल्क के जिस कौम के ग्राउंड बहाल रहते हैं यानी कि लोग खेलते रहते हैं वहाँ के अस्पताल बंद होते हैं, वैसे भी हमारे लिए ये एक वर्जिश जिस्मानी लिहाज से फिट रहने के लिए अच्छी होती है। आपने क्या सोच के बुलेशा रखा और आबादी में एक बहुत बड़ी लीग, कैसे सोचा? जी काफ़ी दिनों से हम ये सोच रहे थे कि एक ना हम फ्लड लाइट लीग करवा दें, ठीक है, तो ये हमारे ऑनर हैं आमर साहब, आमर जिताला साहब, इन्होंने ये नाम अनाउंस किया है कि हमने बुल्ले शाह के नाम पे जो टीम है वो अनाउंस करनी है, तो हमने वो बुल्ले शाह के नाम पे टीम दे दी है। कैसा लग रहा है, बड़े बड़े शहरों में बड़ी लीग्स होती हैं, आपकी अपनी आबादी में एक मेला साथी है? जी बिल्कुल, ये हमारे इलाके के लिए बहुत अच्छा है कि हमने ये मेला सजाया और लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और इस वजह से हमने ये किया है। अच्छा, ये फाइनेंशियली आप लोगों ने खुद अरेंज किया? हाँ जी, ये सब जो किया ना ये सब ये हमारे गांव के जो लोग हैं ना उनके तामन से ये सब कुछ हुआ है। इधर देखना भाई जान, इधर जबरदस्त आपने मुझसे कर देना कि अगला बड़ी सोहनी फ्लड लाइट हो रही है, सारी आवाम इकट्ठी है, इंशाल्लाह ताला कल भी ज्यादा आवाम हो रही है। सब आपकी मोहब्बतें आपकी तावन से सारे लोगों ने दोस्तों ने तावन किया है, अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्यारा इवेंट सज गया आपके सामने। कैसा लग रहा है, कल ईद है और चांद रात को आप मैच देखे, ग्राउंड भी बढ़ रहा है, लोग भी बढ़ रहे हैं, ये जोश जज्बा आप बच्चों में देख रहे हैं हमारे अंदर भी देख रहे हैं, नेक्स्ट टाइम मैच आप देख कर जाए जुनेद जलमी और सुखेरा सुपर किंग का, क्या लगता है विन कर पाएंगे? इंशाल्लाह हम तो इतने पुरजोश है कि हमारा इनके साथ मुकाबला ही नहीं बढ़ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर नदीम साहब, आप पॉलिटिक्स से भी बड़ा लगाव रखते हैं, आपके अपने गांव में आबादी प्रीमियर लीग पहले भी हुई और इस दफ़ा फर्स्ट टाइम तारीख में पहली दफ़ा फ्लड लाइट लीग हो रही है, कैसा फील हो रहा है? मैं ये समझता हूँ आबादी वाले जितने भी मेरे ये भाई हैं छोटे आज़म सुखेरा साहब या आमर या काजम खड़ा है, ये सारे इतनी मेहनत करते हैं और ये जब ये ऐसा कोई त्यौहार होता है ईद का या यहाँ पर मेला वगैरह हो तो ये मुनक्कद करते हैं टूर्नामेंट, और आप देख लें ये आम जो लेवल का टूर्नामेंट नहीं है, ये अच्छे लेवल का टूर्नामेंट है, जैसे दीपालपुर में लीग होती है, बशीरपुर में लीग होती है, ये उस लेवल का है, और आप देख रहे शायकीन कितने आए हुए हैं यहाँ पे, तो ये तो बहुत कम रह गया है, लेकिन मैं इन सब भाइयों की काफ़िश को दाद देता हूँ कि ये हर साल ऐसे करवाते हैं और अब इन्होंने ये फ्लड लाइट शुरू किया है तो आपके सामने कितने जोश व खरोश से आबादी के और गिर्द नवा के लोग आए हुए हैं यहाँ पे। वालेकुम सलाम। काजिम साहब, आप बड़ी लगाव रखते हैं क्रिकेट से, आज कैसा फील हो रहा है कि आपकी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है और आज पूरा हजूम जो है पूरा मेला सजा हुआ है? देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक छोटी सी कोशिश की है कि जो हमारे मतलब दोस्त अहबाब हैं या जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनके एक खुशी का माहौल प्रोवाइड किया जाए। देखें हर तरफ जो है ना वो परेशानी का हाल है, ऊपर से महंगाई आपके सामने है, ठीक है, हर बंदा परेशान है, तो हमने कोशिश की, एफर्ट की है, जिसमें जो है ना सब दोस्तों का एक कॉरपोरेशन जो है ना सिस्टम ऐड किया गया है, सब दोस्तों ने कॉरपोरेट किया हर हवाले से और माशाल्लाह हमने भी कोशिश की है कि अच्छा मैनेज करें और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मैनेज हुआ है। ये हमारे गांव की माशाल्लाह बहुत बड़ी लीग है, इसमें
में जितने भी भाई हैं वो सारे मेरे गांव के लड़के इंजॉय करते हैं। और ये जो लीग ईद पे हो रही है ये फर्स्ट टाइम हमारे इस गांव में फ्लड लाइट हो रही है। सर ये जो लीग हो रही है ये फाइनेंशियली तौर पे सभी ने नौजवान जो गांव के उन्होंने मैनेज किया? जी बिल्कुल, इसमें माशाल्लाह के जिस तरह हमारे गांव के जो बड़े लोग हैं उन्होंने और ख़ास तौर पे जितने भी गरीब या बाकी जो जो जॉब करते हैं उन्होंने इसमें मुकम्मल तौर पे तावन के साथ ये जो भी काम हो रहा है वो उनके तावन से हो रहा है। अच्छा सर, कल ईद है, आज चांद रात है, लोग चांद रात पे जो बड़ी बड़ी जगहों पे जाते हैं लेकिन आपका पूरा गांव यहाँ पे आ गया? जी बिल्कुल, माशाल्लाह के जिस तरह हमारे गांव के सारे लड़के क्योंकि छुट्टियां हो चुकी हैं तो लोग जो जॉब पे थे वो आ चुके हैं तो इसलिए हम ये लीग हम करवा रहे हैं तो वो सब भाई इसको इंजॉय कर रहे हैं। आपको हम बड़ा सुनते रहते हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हमारा मकसद ये लीग करवाने का हमारा यही मकसद है कि ये तफरीका माहौल बने, ये बच्चे यंग बच्चे जो हैं वो ताकि उनको टाइम मिले ताकि ये माहौल जो हमारा और अच्छा हो सके। और ये फर्स्ट टाइम हमने ये फ्लड लाइट का हमारा यही जो था कि हम फ्लड लाइट करवाएंगे ताकि और लोगों को एंजॉय का मौका मिले। भी जहाँ आता हूँ मैं ज़िंदगी जीता हूँ, मैं इस गांव में आता हूँ तो मैं ज़िंदगी जीता हूँ। लाहौर की बड़ी मसरूफ़ ज़िंदगी है, वहाँ काफ़ी ज़्यादा टफ़ लाइफ गुजर रही है और यहाँ मेरे सारे दोस्त हैं, बचपन गुजरा है, क्रिकेट बहुत अच्छी खेली है इधर। और अब ये मकसद लीग का शुरू भी हमने किया था, ये बुनियादी तौर पे मैंने ही मशवरा दिया था कि हमारे दोस्त इकट्ठे हों और इस लीग को हम अच्छी तरह इंजॉय करें और सारी गैदरिंग अच्छी हो, पुराने दोस्त हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम कामयाब हुए और